पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज विवेकानंद सिन्हा के मार्गदर्शन और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव जितेंद्र शुक्ला के निर्देशन पर राजनांदगांव खैरागढ़ डोंगरगढ़ पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों ने अवैध शराब पर कार्रवाई करने के लिए अलग अलग टीम बनाकर थाना खैरागढ़, थाना डोंगरगढ़, थाना घुमका में रेड कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 227 पेटी शराब जब्त किया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मनीष राजपूत ने अवैध शराब का 600 पेटी के जखीरे को अपने ही गाँव के प्रमोद राजपूत के मकान में गोदाम में रखवाया था, जिसके एवज में मनीष राजपूत ने प्रमोद को प्रति पेटी 100 रुपए के दर से भाड़ा देने की बात कहकर रखवाया था। इसी 600 पेटी में से चुम्मन सिन्हा को मनीष राजपूत ने 150 पेटी देकर 150,000 रुपए नगद लिया और गांव के ही दिलीप वर्मा को 50 पेटी शराब देकर 70,000 रुपए नगद लिया एवं परदेशी सेन को 20 पेटी शराब, हरीश साहू और भूपेश कुसरे को 50 पेटी शराब, बाकी चिल्लर पेटियों में भी आए शराब को लगभग 100 पेटी बिक्री करा दिया। बाकी बचे 227 पेटी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो उसने बताया कि 600 पेटी दारू करीब आई थी, उसने हमको 300, 350, 400 के आसपास नंबर दिया था। 600 पेटी दारू एक साथ उसने एक, अभी जो सिंपल रूट है वो इधर से आया, दूर की साइड से पेटेस का से होती है और अंदर 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 डी के रास्ते के जैसा से चलते खेलका डी की तरफ निकल, 600 टोटल टैप हुआ और फिर उसको कहाँ सप्लाई दिया वो सारी डिटेल उसने बताई, जिसमें सबसे बड़ा जो एक पार्ट का 50 पेटी वाला, जिसमें हमने कार्रवाई करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया था 20 पेटी के साथ, वो भी एक माल था जो मनीष सोनी के लिए निकला था और मनीष सोनी ने बेस के माध्यम से उसको कहीं सप्लाई देने जा रहा है, वो हमने पहला लिंक था जो अरेस्ट किया था। उस 50 पेटी के अलावा 50 पेटी जो जिस दिन हमने प्रेस ब्रीफिंग की थी उस दिन जो सुबह 40 पेटी पकड़ी गई थी उसमें भी 50 पेटी गई थी, उसकी 10 पेटी नहीं मिली। इसके अलावा 120 पेटी चुम्बन सिन्हा के पास निकली हुई थी, जो उस दिन गिरफ्तार हुआ था तो वो इनिशियली 10 पेटी के साथ गिरफ्तार हुआ था, उसको टोटल 120 पेटी गई थी, वो 120 पेटी नहीं मिली। वो 120 पेटी कल फिर इसके बयान के बाद हमने खोजना शुरू किया तो चुम्बन के घर के पास में ही उसकी गाड़ी से ही ट्रैक्टर में ये पता चला था कि ट्रैक्टर से ले गया है, वो सारी डिटेल मनीष राजपूत ने शेयर की कि अपने ट्रैक्टर से एक ट्रैक्टर लेकर आया था उसमें 3 लोग थे, तो वो उन तीनों लोगों को खोजना शुरू हुआ तो उसमें एक इसका भतीजा भी था मनीष राजपूत का, गोलू 25-26 साल का है, वो गया था इसके साथ वो दारू सप्लाई लेने। फिर वो ट्रैक्टर ढूंढना शुरू हुआ तो ट्रैक्टर मिला और फिर ट्रैक्टर पैरे के पास छुपा के रखा गया था, इसके ऊपर बताया था पूरा पैरा रखा हुआ था, तो वहाँ से फिर ये 90 पेटी दारू हमको और मिली है, लेकिन इसमें से भी 30 पेटी निकल गई थी, और वो कहाँ निकली उसकी डिटेल अभी नहीं पता है क्योंकि चुम्बन जेल चला गया, तो उससे भी हम लोग बातचीत करके फिर से ये पता करेंगे कि वो 30 पेटी किधर गई है। थोड़ा बहुत अंदाजा हम लोगों को लगा है, कुछ सरपंच के नाम आए जिन्होंने मतलब ऐसा लग रहा है हमको कि उन लोगों ने उठाया था, बट जब तक कन्फर्म नहीं हुआ तब तक हम नाम नहीं बताएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में फिर मनीष राजपूत, प्रमोद सिंह और दादू मोहनू और गोलू प्रमोद और मनीष राजपूत ये 3 लोग कल फिर अरेस्ट हुए और बाकी ऐसे अभी और डिटेल नहीं गई है ऊपर की, तो बाहर से कहाँ से मतलब अरेस्ट करेंगे तो उसके बारे में भी आप लोगों को शेयर करेंगे।